अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ टाटा का हैरियर गाड़ी है, ठीक है। तो इसका इश्यू क्या हो रहा है, मैं ब्रेकडाउन में आया हूँ आज। आज मतलब ब्रेकडाउन में तो हमेशा जाता हूँ, कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो ये वीडियो मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बना रहा हूँ मैं। तो इसका इश्यू क्या है, ये देख सकते हैं क्लस्टर मेरा ऑन है, सेल्फ मार रहा हूँ, सेल्फ नहीं ले रहा, ठीक है, सेल्फ नहीं ले रहा। और इसका एक इशू और था, इसका जो क्लच पैंडल था ना, इसका जो क्लच पैंडल था वो अंदर गया था, मतलब अंदर ही दब गया था। दो इशू था इसमें, तो उसका तो इशू मैं फिलहाल अभी टेम्पररी सॉल्व किया हूँ। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है, आपका क्लच पैंडल अंदर गया है, तो क्या करना है पहले वो बता देता हूँ मैं। तो बॉनेट खोल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। तो बॉनेट खोल लेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रेक वाल का ढक्कन है, ठीक है, कवर भी खोल लेंगे ऊपर का, ये ब्रेक वाल का है ना, ये कवर ऐसा निकाल लेंगे ढक्कन। वो निकालने के बाद है ना, अभी तो मेरा पैंडल आ गया ऊपर, ठीक है, और अभी थोड़ा देर पहले इसका पैंडल पूरा अंदर था। तो इसको है ना हाथ से पहले पंप करेंगे ऐसा, इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कम से कम 20-25 बार करेंगे ना तो पैंडल आ जाता है मेरा नीचे, ठीक है, पैंडल आ जाता है ऊपर, तो काम चलने लग, मतलब सर्विस सेंटर तक क्या जा सकते हैं आराम से, ठीक है। ये तो हो गया, अगर अगर लीकेज रहेगा या सिलेंडर फेल हो गया रहेगा तो नहीं पैंडल ऊपर आएगा, अगर ऐसे नॉर्मल अगर गया रहेगा एयर की वजह से तो पैंडल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका कैप लगा देने का, उसके बाद ढक्कन लगा देने का। तो अभी स्टार्टिंग का क्या करने का मैं बता देता हूँ। अभी जैसे ये देख सकते हैं मेरा गाड़ी इग्निशन ऑन हो रहा है, सेल्फ नहीं ले रहा, ठीक है, सेल्फ नहीं ले रहा। तो मैं टूल लेके आया हूँ अपना, इसमें ये निकालेंगे रैचेट, 13 का बॉक्स और 10 का बॉक्स, ठीक है। तो इसका बोनट खुला है, तो टेस्टन से पहले चेक करेंगे, ठीक है, कि ये है ना, ये जो फ्यूज़, ये फ्यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऐसा भी देख के आप चेक कर सकते हैं, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये देख सकते हैं, ऐसा ऐसा भी दिख रहा है उड़ा हुआ। और इसको चेक करने का एक सिंपल सा प्रोसेस भी है, तो कैसा टेस्ट लाइन ले लेंगे, ठीक है, और इसको इधर लगाएंगे इस साइड में, और इसको बॉडी ग्राउंड देंगे, बॉडी ग्राउंड देंगे, हाँ बॉडी ग्राउंड देंगे। तो ये देख सकते हैं ये 13 नंबर वाले में लाइट चालू हो रहा है, ठीक है, हाँ 13 नंबर वाले में लाइट चालू हो रहा है, और ये 10 वाले पे भी चालू होना मांगता है, अगर 10 वाले में नहीं चालू हो रहा, ठीक है, 13 में चालू हो रहा है, ये 10 में अगर नहीं चालू हो रहा तो फ्यूज़ हो रहा है मेरा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। तो अभी इमरजेंसी में फंसे रहेंगे तो क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। और ये फ्यूज़ है ना, ये स्टार्टर का भी है और इससे चार्जिंग भी देता है, तो इसको अगर ऐसा अगर आप शॉर्ट करके भी चालू कर सकते हैं इमरजेंसी में, और ज़्यादा दूर नहीं चलाए तो अच्छा है, इसको ऐसा कोई भी पानी से इसको ऐसा कस के शॉर्ट करेंगे और किसी को बोलेंगे सेल्फ मारने, तो गाड़ी चालू हो जाएगा। वो तो हो गया, अभी कोई पाना नहीं है मेरे पास, इसके कोई टूल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको ऐसा कस के पकड़ना है ना, तो लूज पकड़ेंगे तो हाँ जलने का चांसेस है, कस के पकड़ के सेल्फ मारे बोलेंगे मारने तो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस में क्या है, तो ये इसमें है ना आपका अल्टरनेटर चार्जिंग देना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो है ना ये अल्टरनेटर को भी सप्लाई जाता है। तो इस ये थोड़ा बहुत अगर जाना है डिस्टेंस है तो ये प्रोसेस करके चालू कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या करना है, ये 13 का है ना, इसको लूज कर लेना, खोल लेना,
ठीक है, इसको लूज कर लेना है। अरे 10 का भी लूज कर लेना, मतलब खोल के निकाल लेना। तो बाहर निकालना है, इसको भी बाहर निकालना है। निकल गया। अभी क्या करना है, 13 का नट इसको टाइट करना है, थोड़ा टाइट करना है और इसको है ना इधर दबा देना है ऐसा टेम्प्रोरी, मतलब आपका गाड़ी थोड़ा मतलब डिस्टेंस तक जा सके। इसको ऐसा दबा के इसको टाइट करके ले लेंगे, ठीक है। तो टाइट हो गया, ये चेक करेंगे लूज नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो अभी मेरा गाड़ी चालू होने लायक हो गया, अभी किधर भी ले जाके इसका काम करवा सकते हैं। पहले सब टूल हटा लेता हूँ मैं, अभी मारेंगे सेल्फ, अभी मेरा गाड़ी चालू होएगा। तो देख सकते हैं मेरा गाड़ी चालू हो गया, एक बार और मैं बंद करके चालू करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा गाड़ी फर्स्ट क्लास चालू हो रहा है। तो इमरजेंसी में अगर फंसे हैं, अगर कुछ नहीं कुछ ऑप्शन है, तो आप खुद से भी ऐसा करके गाड़ी चालू कर सकते हैं। आप फिर सर्विस सेंटर ले जाके फ्यूज़ नया डलवा ले, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लच का भी मैंने आपको बता दिया, क्लच का अगर प्रॉब्लम होता है हैंडल अंदर रहता है, बशर्ते अगर सिर्फ एयर का प्रॉब्लम होगा तो सही होगा, अगर लीकेज होगा या सिलेंडर फेल कर गया रहेगा तो आपका क्लच पैंडल ऊपर नहीं आएगा पंप करने से, ठीक है। मतलब क्लच का पैंडल अंदर चला गया, स्टार्टर फ्यूज उड़ गया, तो आपको ब्रेक वाल का ढक्कन खोल लेना, उसको हाथ से पंप करना 4-5 बार, फिर उसके बाद पैर से पंप करना स्टार्ट करते रहना, 10-20 बार में पंप आ जाता है, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन हैरियर के लिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा, अगर आपके काम आएगा कभी फ्यूचर में, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो में खास के एक मेरा कस्टमर है हैरियर का, उन्होंने बोला था मेरे को बनाने को, क्योंकि कभी उनके लंबे रूट में जाते रहते, फ्यूचर में कभी अगर प्रॉब्लम होता है तो उनको हेल्प हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।